बच्चों, आज मैं आपको लोहा इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी दूंगी। लोहा इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। प्रगतिशील देश को प्रत्येक उद्योग के लिए लोहे और इस्पात की आवश्यकता होती है, चाहे कृषि उद्योग हो, चिकित्सा आदि। अनेक कार्य बिना इस्पात के उपयोग के पूरे नहीं किए जा सकते। भारी मशीनों से लेकर छोटे से छोटे पुर्जे तक में इसका उपयोग होता है। वर्तमान युग को यदि हम इस्पात युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उद्योग की प्रगति। भारत का लोहा इस्पात उद्योग बहुत प्राचीन उद्योग है। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि दमिश्क की तलवारों के लिए भारत से ही लोहा मंगाया जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट जंग रहित लोहा स्तंभ भारतीय इस्पात कला का उत्तम उदाहरण है। प्राचीन भारतीयों और मिस्र के निवासियों को इस्पात तैयार करने की विधि ईसा के कई सौ वर्षों पहले ही ज्ञात थी। उड़ीसा तथा भारत के कुछ अन्य भागों में प्राचीन कालीन इस्पात भट्टियां आज भी देखी जा सकती हैं। यह प्राचीन भारतीय कला ब्रिटिश काल में विनष्ट हो गई थी। अंग्रेजों ने भारत में इस्पात जैसे महत्वपूर्ण उद्योग का भविष्य उज्जवल जानकर भी इसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। आधुनिक रूप में भारत में लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करने वाला प्रथम प्रयास 1779 में किया गया था। 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में एक लोहे का कारखाना स्थापित किया। 1830 में मद्रास में जोशिया हित ने एक कारखाना स्थापित करने का असफल प्रयत्न किया। 1871 में कुलती नामक स्थान पर 12 कर आयरन वर्कर्स की स्थापना हुई। 1879 में यह कारखाना बंगाल आयरन कंपनी के अधिकार में आ गया। 1907 में साक्ची, अब जमशेदपुर और झारखंड नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा एक आधुनिक कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से स्थापित किया गया। इस कारखाने को लोहा इस्पात उद्योग में विशेष सफलता मिली। आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से एक अन्य कारखाना स्थापित किया गया। कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखाने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिए गए। बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसी प्रकार भद्रावती में मैसूर आयरन वर्कर्स का शिलान्यास हुआ। इस प्रकार भारत में आधुनिक ढंग से लोहा इस्पात उद्योग 20वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व देश में इस्पात उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन से कुछ अधिक था। स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात उद्योग विकसित करने का कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया गया। द्वितीय योजना काल में 10 लाख टन क्षमता के पृथक पृथक 3 समेकित इस्पात केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, रावपुर नामक स्थानों पर स्थापित किए गए। निजी क्षेत्र
में स्थापित टिस्को जमशेदपुर, इसको आसनसोल में उत्पादन क्षमता को क्रमशः 20 लाख टन एवं 10 लाख टन करने का उद्देश्य से बनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में समेकित इस्पात गृह की स्थापना 1956 में और 1962 में की गई। निजी क्षेत्र के कारखानों का विस्तार 1959 में पूरा हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र की 3 इस्पात कारखानों के विस्तार और बोकारो एक और इस्पात के कारखाने की स्थापना की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में तत्कालीन इस्पात कारखानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने तथा सलेम यानी तमिलनाडु एवं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नए इस्पात कारखाने स्थापित करने का लक्ष्य बनाया। 17 जुलाई 1976 में भारत सरकार द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया गया, जो अब एक सहयोगी शाखा है। इस तरह इस उद्योग ने भारत में प्रगति की। भारत में उद्योग के स्थानीयकरण की अनेक कारण हैं। जैसे इस्पात उद्योग को मूलतः कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। भारत में लोहे धातु भारी एवं सस्ती होती है। कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलामाइट आदि आवश्यक कच्चे माल हैं। इसलिए कच्चे माल को निकट ही इस्पात उद्योग की स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त जल, सस्ता परिवहन शक्ति के साधन, श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 3 टन कोयला, 2 टन लोहा आवश्यक होता है। इसलिए कोयला व लोहा के क्षेत्रों के निकट ही इस्पात उद्योग की स्थापित करना उपयोगी रहता है। हमारे देश में ये सभी सुविधाएं एक ही क्षेत्र में प्राप्त नहीं है। अतः इस्पात उद्योग की स्थापना 4 भिन्न भिन्न स्थितियों वाले क्षेत्रों में हुई। जैसे कोयला क्षेत्र निकट बरनपुर, हीरापुर, उल्टी, दुर्गापुर एवं बोकारो के कारखाने स्थित हैं। लोहे अयस्क क्षेत्र के निकट भिलाई, राउरकेला, भद्रावती कारखानों के अतिरिक्त सलेम, विजयनगर के कारखाने लोहा के क्षेत्र के निकट हैं। कोयले व लोहे धातु के मध्य परिवहन की सुविधा के निकट टाटा इस्पात कारखाना। व्यापार की सुविधा, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना को तटीय स्थिति के कारण परिवहन एवं व्यापार की विशेष सुविधा प्राप्त है। भारत में कच्चा माल लोहे धातु प्राप्त मात्रा में मौजूद है। झारखंड, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में लोहा पाया जाता है। उत्तम कोकिंग कोयला बिहार, झारखंड, घटिया कोयला मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाया जाता है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक में बड़ी मात्रा में मिलता है। मैग्नीज भी इन्हीं राज्यों में मिलता है। उपरोक्त सुविधाएँ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में मिलती है। अतः इन राज्यों में इस्पात उद्योग विकसित है। इस्पात की प्रमुख इकाइयों का वितरण के बारे में बच्चों में जानकारी कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।